तो किताब में अगर प्लस दिया हुआ तो क्या गलत दिया है क्या? नहीं, मतलब उसने सिंबल के साथ नहीं यूज किया है। अगर सवाल हल करोगे तो प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हमने प्लस माइनस के साथ ऑब्जर्व किया है, तो आपको बस उसके वैल्यू को उठाकर इसमें रख देना और हल कर देना, वही आपका क्या होगा आंसर, प्लस माइनस सिंबल नहीं देखना है। इसका मैग्निफिकेशन इतने पर रोक दिए हैं, इसमें भी तो इतने पर रुकना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि जो नेत्रिका लेंस होगा उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए। फोकस दूरी कितना होना चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो समझो कि आपने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जस्ट उल्टा ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, तब क्या जवाब देंगे? जिसकी मदद से हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं उन्हीं चीज़ों को खगोलीय दूरदर्शी या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहा जाता है। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करता क्या है, दूर के वस्तुओं को आपके आंखों के समीप ला देता है। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए इस टावर से आप जितने दूर होते चले जाएंगे, कोई आपके पास टावर होगा, कोई वस्तु होगा, उससे जितने दूर चले जाएंगे क्या देखने को मिलेगा आपको? देखने को यह मिलेगा कि वस्तु छोटी होती जा रही है, लेकिन क्या वस्तु छोटी है कि बड़ी है? वस्तु की ना तो साइज घट रही है ना तो साइज बढ़ रही है, बशर्ते हमारे आने और जाने में फ़र्क हो रही है, अर्थात डिस्टेंस बढ़ रही है तो घट रही है। इस प्रक्रिया से हमें फील हो रहा है कि वस्तु की लंबाई घट रही है और बढ़ रही है। तो यह एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी दूर आप चलते जाएंगे एंगल उतना ही छोटा होता जाएगा, जितने नज़दीक चलते आएंगे एंगल उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो एंगल बड़ा तो वस्तु बड़ा, एंगल छोटा तो वस्तु भी छोटा होता जाएगा। तो ये बताओ जो सूर्य देखते हैं, सूर्य छोटे हैं या बड़े हैं ये बता दो मुझे। सूर्य बड़े हैं। तारे बताओ क्या हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं? चांद बताओ छोटा है कि बड़ा है? कोई भी ग्रह बताओ या अंतरिक्ष में कुछ भी देख रहे हो, बड़े हैं छोटे हैं? बड़ा है, लेकिन हमें छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, उनको हम जब इसकी मदद से देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये करता क्या है, ये जो इमेज जो उतनी दूर वस्तु दिखाई दे रही है उसकी इमेज को कहाँ पे ला देता है, आपकी आंखों के सामने। अब एंगल बताओ बड़ा हो गया छोटा हो गया? अब एंगल जैसे ही बड़ा हो गया तो बताओ डिस्टेंस कम हो गया कि नहीं? तो ये बताओ वस्तु कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा छोटा दिखेगा? बड़ा दिखेगा। तो इसका काम बस यही है कि जो दूर की वस्तु है, जितना भी दूर वस्तु है, वह प्रतिबिंब लाकर आपके आंखों के सामने कर देता है। अब जैसे ही आपके आंखों के सामने आएगा तो बताओ क्या होगा, वह वस्तु बड़ा दिखेगा कि छोटा दिखेगा? बड़ा दिखेगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल केसेस में हम दो तरह के केस पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल में हम दो तरह के केस को पढ़ेंगे, एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा और एक स्पेशियल एडजस्टमेंट होगा। ये ऑब्जेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस को इसलिए बड़ा रखते हैं ताकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें ज़्यादा अवशोषित हो सके, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। ये क्या है जल्दी बता दो भाई, ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस, और बताओ इस लेंस का क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। अपने पास दो लेंस होंगे क्या? तो दो लेंस होंगे तो इसको मान ले रहे हैं O1 है। ऑब्जेक्ट बताओ किधर है, अनंत पर है, तो अनंत से प्रकाश किरणें कैसे आती है, हमेशा समांतर आती है, तो समांतर मुख्य अक्ष के मानोगे तो ये फोकस पर इमेज बनेगी, इमेज फोकस पर बनेगी, बहुत छोटी से बनेगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं दो तरह के शर्त होते हैं, एक तो अनंत पे होगी तो प्रकाश किरणें कैसे आती है, समांतर आती है। तो हम समांतर प्रकाश किरणों को ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि अनंत से प्रकाश किरणें इस प्रकार से आ रही है। एक बात जरा बताओ, ये तो प्रकाश ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, प्रकाशीय केंद्र से, तो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगी आगे तक। भाई कन्वेक्स में इसका भी जो आर होगा वही आर इसका भी होगा, तो हम अलग अलग भी मान सकते हैं, सेम टू सेम भी मान सकते हैं। तो ये भी फोकस है, ये भी क्या है इसका, फोकस है। अब जरा बताओ अगर इस प्रकार से समांतर किरणें आ रही है तो परावर्तक तल से टकराने के बाद वो कैसे होकर जाती है, आप लोग बताओ, फोकस तल से होकर जाती है कि नहीं? तो ये रूल पढ़ाया गया होगा, तो ये बेंड किधर होगा जल्दी से बता दो, फोकस तल पर देखो यहाँ मिल रही है कि नहीं सभी लोग? तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो बताओ अब इसका इमेज कहाँ बना भाई साहब? आप कहेंगे कि यहाँ पर इसका ये इमेज बन गया, इसको हम लोग ए ए डैश बी डैश मान लेते हैं कि अनंत पे जो है वह ए बी ऑब्जेक्ट है अपने पास, ए बी का इमेज बताओ कहाँ पे बन गया, ए डैश बी डैश पे बन गया। अब हम लोग ऐसा एक लेंस लेते हैं छोटू सा,
एक छोटू सा लेंस इस प्रकार से रखते हैं क्योंकि नेत्रिका लेंस है, तो इस लेंस का नाम बताओ हम लोग क्या रखते हैं भाई साहब? यल ओ रखते हैं क्या? यल ओ लेंस है, कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्ट लेंस है। एक लेंस और रख रहे हैं, इस लेंस को इस प्रकार से सजा रहे हैं क्योंकि हमारे आंखों को दर्द ना हो, तो हम जानते हैं कि जो वस्तु रहेगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा, वो कहां पर होनी चाहिए? फोकस पर। अगर वो फोकस पे रहेगा तो हम लोगों को पता है कि वो अनंत पे इमेज बनती है। कहां बनती है? बनती है कि नहीं बनती है? अच्छा बताओ, मतलब कोई भी आदमी को एकदम साफ कोई आंखों को तनाव ना हो तो कितनी दूर तक देखे? तो सर कहेंगे कि अनंत तक। अनंत की वस्तुओं को अगर इंसान देखता है, दूर की वस्तुओं को देखता है, तो उसके आंखों को स्ट्रेस नहीं आता है, कोई दर्द तकलीफ नहीं होता है। जैसे जैसे वो नज़दीक आती है वैसे वैसे आंखों पर स्ट्रेस बढ़ती जाती है और दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए नॉर्मल केस में चल रहे हैं, तो नॉर्मल केस में जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अब इसको ऑब्जेक्ट ना मानकर, अब ये ऑब्जेक्ट किसके लिए होगा? इस लेंस के लिए होगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि पूछा जाए ये प्रकाश इधर से आ रही है, यहाँ से आ रही है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। अब दूसरा लेंस लगाओगे तो इस लेंस को ये नहीं फील होगा कि ऑब्जेक्ट इधर से आए, इसको लगेगा कि यहाँ से प्रकाश आ रही है, इसलिए बोल रहे हैं कि इसको ऑब्जेक्ट मानकर चलिए। सही है। तो हमने एक लेंस लगाया छोटू सा भैया साहब, एक छोटू सा अपने पास लेंस लगा दिया जिसे हम लोग बोलेंगे ये नेत्रिका लेंस है। लेंस तो है लेकिन कैसा लेंस है? नेत्रिका लेंस है। क्या इसका जरा बता दो फोकस कहाँ पर होगा? सर यही होगा, ये यफी होगा। होगा कि नहीं होगा? यहीं पर मान ले रही है। यहाँ पर देखो सिस्टम कई ठोच हो गया है, इस प्रकार से हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसका भी इधर फोकस होगा क्या यफी? मतलब हमने ये बोला कि जो इसका इमेज ये बना है, इस लेंस का जो इमेज बना है, ये वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको इस प्रकार से सजा के रखना है कि कहाँ पर हो, ये फोकस तल पर हो, फोकस पर हो, और इस लेंस का भी यही फोकस होनी चाहिए। इसको ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? अब मुझे इतना बता दो कि अब जब यहाँ से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अगर लेते हैं तो परावर्तक तल से टकराने के बाद वो तो क्या होता है? वह फोकस से होकर जाता है। पासिंग करा दे क्या फोकस से? कोई दिक्कत? हमने पासिंग करा दिया भाई, ये चल गई बेचारी ऐसे। अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो बताओ क्या होगा? सीधा चल जाती है क्या? कोई विचलन होता है क्या? ऐसे प्रकाश जा रही है, दोनों आपस में कैसे हो जा रही है? समांतर हो रही है, पैरेलल हो जा रही है। ये कहीं कट करेगा क्या? इसका इमेज बताओ कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी आंख इधर है, हम ये आंख लगा के टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो टुकुर टुकुर यहाँ से देखेंगे तो इसको हम आगे इमेज बनेगा को पीछे बढ़ाएं? सर पीछे बढ़ाएंगे, तो इसको हमने क्या किया भाई साहब? इसको पीछे बढ़ा दिया, दोनों प्रकाश किरणें आपस में समांतर है तो पीछे बढ़ाने पर कहीं कट नहीं करेगी, और हमारी आंख यहाँ ना उल्टा लगा के नहीं देखते हैं, जो हम लोग टेलीस्कोप बनाए रहते क्या उसके अंदर हिल के देखते हैं क्या? बाहर से तो देखेंगे ना। तो हमारी आंख बेचारी जो रहती है ये यहाँ पर हम लोग अपनी आंखों को लगाकर देखते हैं बढ़िया से, ये हमारी आंख हो गई, यहां से देखते हैं। अब हमें इमेज इधर ना दिखे, किधर दिखेगा? इधर दिखेगा। कितना बड़ा सा दिखेगा मुझे ये बता दो, बता दो कितना बड़ा बनेगा? सर ये अनंत पे बन रही है, बहुत बड़ा बन रही है। चेक कर लो ना सर, ये अनंत पे बन रही कि नहीं बन रही है? अनंत पे बन रही कि नहीं बन रही है? अनंत पे बन रही कि नहीं बन रही है? कितना बड़ा? बहुत बड़ा ना। अनंत पे कैसा दिखेगा? ये साफ साफ दिखेगा कि ब्लर दिखेगा? ब्लर दिखेगा सर। अनंत पे बन रही है इमेज, ये सबसे बड़ी होगी लेकिन ब्लर दिखाई देगा। अगर किसी का एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो क्या इसका एक्सपेरिमेंट आप सही से कर पाएंगे? ऐसे केस में नहीं कर पाएंगे। हमें ठीक से उसका दांत नहीं दिखेगा, उसका मुंह नहीं दिखेगा ठीक से, बाल नहीं ठीक से दिखेगा, उसका शरीर ठीक से नहीं दिखेगा, उसमें एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? तो ये नॉर्मल केस था, ये केस नंबर फर्स्ट था, केस नंबर फर्स्ट। ये क्या सिखाता है? नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, नॉर्मल केस। केस नंबर फर्स्ट जो है वो नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस का मतलब यही होता कि आंखों को जो दर्द ना हो तो उसे हम लोग नॉर्मल केस बोलते हैं। आंखों को दर्द होना शुरू हो जाता है, तकलीफ होना शुरू हो जाता है, वो नॉर्मल केस नहीं स्पेशियल केस कहलाता है फिर। तो यह क्या क्लियर हुआ? इसकी मैग्निफिकेशन की बात कर ले हम लोग। आइए कुछ टर्मों की बात करते हैं, फिर मैग्निफिकेशन दिखाते हैं आपको।
दोस्त यहाँ से मुझे बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आपसे पूछा जाए, ये बताओ लेंस से हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट की जाती है डिस्टेंस, है कि नहीं? तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लोग बात करें कि ये बताओ ये कितना डिस्टेंस है, तो आप लोग कहेंगे सर ये इमेज डिस्टेंस है। लेकिन इमेज डिस्टेंस एक इस लेंस का क्या कहलाएगा जरा बता दो, ये फोकस है क्या, इस इमेज का फोकस है क्या? तो इसे हम लोग यफो के नाम से पुकारते क्या? यफो के नाम से पुकारते क्या? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। और इस लेंस के लिए बताओ ये वस्तु है ना, यूई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इधर वीओ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन वीओ के स्थान पे हमने क्या लिखा, क्योंकि फोकस है, फोकस के टर्म में हमने डिफाइन किया, बोलो हाँ या ना। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जरा इधर बताओ ये वाला डिफाइन क्या है। सर यहां से यहां तक टर्म को अगर बोला जाए तो ये टर्म अपने पास कितना यू यूई है, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, यफ ई बोल सकते हैं कि नहीं? यही अपने पास यफी है, यही अपने पास यफी है। तो हम यफ के टर्म में मैग्निफिकेशन को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, सही है ना? तो ऑप्टिकल सेंटर वस्तु और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनने वाला जो कोड होता है वह क्या कोड होता है, वो अल्फा कोड होता है। और फाइनल इमेज के साथ बनने वाला ऑप्टिकल सेंटर के बीच जो कोड बनेगा वो कितना होगा, फाइनल इमेज इधर है और ऑप्टिकल सेंटर से मिला दीजिए तो इसके बीच जो कोड बनेगा वो कितना होगा, बीटा। और इनिशियल इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच मिलाने वाले कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। तब आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन में सबसे पहले हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात किए थे, यहाँ पर किस मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, एंगुलर m बराबर कितना होता है, बीटा बाई अल्फा। तो इसको हम टैन बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बहुत है, छोटू बनते हैं, छोटू छोटू एंगल बनते हैं भाई, बड़े बड़े एंगल नहीं बनते हैं, 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री के ऐसे एंगल बनते हैं। तो ऐसे एंगल में हम लोग कह सकते हैं कि जो बीटा वो टेन बीटा के क्या होगा, इक्वल होगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेन अल्फा। टेन ले रहे हैं यहाँ पे, अगर साइन जरूरत पड़ता तो साइन भी ले लेते हैं, कॉस जरूरत पड़ता तो कॉस भी ले सकते थे, लेकिन जरूरत हमें यहाँ पे किसकी है, लंब बटे आधार से जरूरत है, हम यही रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो जो जरूरत होगा सो हम ले सकते हैं। अब मुझे टेन बीटा का वैल्यू बोलो। अगर आपको एक चीज सिमिलरिटी का कंडीशन पढ़ाया गया है, सिमिलरिटी के कंडीशन में आपको बोला गया है, चाहे तो आप इससे अनुपात ले लीजिए, चाहे तो आप इससे अनुपात ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ऐसा देखो, यहाँ पर इसके लिए बीटा देखो यहाँ पे बन रही है ना कहीं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये इमेज बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश, चाहे तो हम इससे इससे ले ले, या तो हम ये छोटे में दिख रहा है कैलकुलेशन यही कर ले, यहाँ से चेक करो, यहाँ पे वही चीज तो यहाँ पर भी है ना, तो हम ले रहे हैं टेन बीटा बराबर बोलो कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटा में बोलो कितना हो जाएगा, बी डैश ओ टू होगा क्या, इसको ओ टू बोल देना, बी डैश कितना हो जाएगा, ओ टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टेन अल्फा का वैल्यू बोलो, टेन अल्फा इधर ना लेकर इधर आ जाओ, क्योंकि वही चीज तो यहाँ पर भी है ना, ये वाला चीज तो पढ़े है ना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को तिरछा काटती है तो ये कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर ही तो होते हैं, कुछ तो पढ़े है कि नहीं, गणित बच्चा लोग सिखाया जाता है सब चीजें। तो टेन अल्फा बराबर बोलो ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बोलो कितना हो जाएगा, ओ डैश बी डैश ओ वन बी डैश बी डैश। अब जरा बताओ कौन कैंसिल होगा, ए डैश बी डैश बेटा बी डैश ओ टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, तो बी डैश ओ वन बटे में कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश कैंसिल, बोलो कितना आया अपने पास, बी डैश ये इधर लिख रहे हैं तो एम बराबर कितना आ जाएगा, बी डैश ओ वन बटे में कितना हो जाएगा, बी डैश ओ टू। वैल्यू रखो इनके, अब यहाँ पर ये प्लस है कि माइनस है, क्योंकि हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, दिशा देख रहे हैं, तो जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो प्लस माइनस मत देखना, फिर जो वैल्यू दिया होगा बस उसके साथ पुटअप करना। तो बी डैश ओ वन का वैल्यू बोलो कितना है, बी डैश ओ वन जल्दी बताओ कितना है, यफ हुआ है क्या, बोलो जल्दी से, यही है दूसरा है, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, यफ ओ बटे में बोलो कितना होगा, बी डैश ओ टू बी डैश ओ टू बोलो कितना है, बोलो ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो इसके लिए कितना हो जाए, माइनस एफ ई होगा क्या, माइनस एफ ई, तो बोलो कितना है मैग्निफिकेशन, माइनस एफ ओ अपान एफ ई, ये अपने पास मिल गया, एम बराबर बोलो कितना आया,
माइनस एफ अपन एफ ई, ये अपने पास मैग्निफिकेशन निकल के चला आया, ये अपने पास मैग्निफिकेशन निकल के चला आया। किसका मैग्निफिकेशन निकला ये बता दो जल्दी से। नॉर्मल केस में जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसकी मैग्निफिकेशन की बात करें तो माइनस एफ अपान एफ ई होता है। अब ये जो दूरबीन बनी होगी, जो टेलीस्कोप बनी होगी, इसकी लेंथ की अगर बात करें, इसकी लंबाई की बात करें, तो लंबाई बताओ कहाँ से मेजरमेंट की जाती है, आप बता दो मुझे। जो लंबाई जो नापी जाती है हमेशा दो लेंसों के बीच की नापी जाती है, तो यहाँ से जो लंबाई होगा इसे हम लेंस की लंबाई अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लंबाई बोलेंगे। बोलो हाँ या ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अगर लंबाई आपसे पूछा जाए तो मुझे बता दो कितना होगा। सर ये बता दो कितना होगा, ये डिस्टेंस बोलो कितना है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो बता दो कितना होगा इसकी लंबाई। एफओ प्लस एफओ प्लस, अगर कोई लड़का पगला गया हो थोड़ा सा, वो दिमाग ज़्यादा लगा रहा होगा, एडवांस लेवल का लगा रहा होगा, तो कुछ यहाँ परिवर्तन और कर देना भाई साहब, परिवर्तन ये कर देना। क्यों कहेगा कि इस लेंस के लिए तो दाहिने साइड बन रहा है ये प्लस होगा, ये वस्तु का डिस्टेंस है, इधर नेगेटिव लेगा, तो नेगेटिव डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। चलो गलती से बोला कि हम लेंगे, तो हमारे पास और चारा है, तब हमारे पास और चारा है, तब तुम्हारे लिए ये सूत्र बनेगा। तुम लो चाहे जो भी आपकी मर्जी करे तुम ले लो भाई, क्या दिक्कत है। बोलो हाँ या ना। डिस्टेंस नेगेटिव होता ही नहीं है, नेगेटिव कैसे करोगे ये बता दो जल्दी से। तो हमारे पास चारा रहेगा कि नहीं, जब तुम्हारी मर्जी चलेगा तो हमारी भी मर्जी चलेगा। बोलो हाँ या ना। तो आपके लिए बताओ ट्यूब लेंथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वाला। तो बताओ इसमें से कौन सही है। सर दोनों सही है, तो दोनों सूत्र एक ही है कि अलग अलग है। सर एक ही है, कोई दिक्कत। ये था नॉर्मल केस वाले का कंडीशन। अगर आपसे पूछा जाए इसकी मैग्निफिकेशन क्या होते, तो मैग्निफिकेशन इस प्रकार से निकल कर आया था। अभी बात कर रहे हैं स्पेशल केस। अभी ये अनंत पे बन रहा था इमेज हमारे पास, ये इसको हम लोग बोल रहे थे, इसकी बात कर रहे हैं, अनंत पे बन रहा था, वो हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या क्या हम सही निर्णय ले सकते हैं इसके बारे में। अभी हम इसी को चाह रहे कि भैया ये अनंत पे ना बने, एकदम साफ साफ दिखे, तो जरा बताओ इसको कहाँ पे रखोगे। ये जो इमेज यहाँ पे है तो ये कहोगे कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो जाए, तो कहीं जाके कट कर जाएगा, कट कर जाके एकदम साफ साफ बनेगा कि नहीं बनेगा। बस समझो कि यही है, बस इसको घसका देना हल्का सा। बोलो वही है चीज की दूसरा है, यही है। तो स्पेशल केस, तो हम दूसरा केस बोलेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो वहां पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर इमेज बोलो कहां पर होती है बच्चा। डी फॉर डिस्टेंस मतलब एकदम डी पर होगा, डी फॉर 25 सेंटीमीटर, डी फॉर कितना होता है 25 सेंटीमीटर। इसका इमेज बनाओ, फिर से वही एक्टिविटी करो, फटाफट फटाफट वही इमेज बना लो, और जो ये डिस्टेंस पे कट करते हैं इसी को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी फॉर डिस्टेंस। बोलो हाँ या ना, या हाँ या ना बोलो। ये सही समझ में आया है, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, झूठ बोलने में मास्टरी हासिल करते हैं आप लोग, है ना। हाँ झूठ बोलने में मास्टर हैं आप लोग, एकदम पूछिए मत, गजब का बवाल करते हैं आप लोग। ए डबल डैश बी डबल डैश, ये इमेज बन गया अपने पास, ये क्या बन गया भाई, इमेज बन गया। ये कोड बोलो क्या है, और ये कोड बोलो क्या है, ये समझ में आता अल्फा बीटा। तो वही चीज हमने यहाँ पर बनाया है, कोई अलग से नहीं चीज है, बस शर्ते नामकरण थोड़ा रख दो। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बोले तो कितना होगा, यह एफओ होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बोलो कितना होगा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बोलो माइनस यू ई यू यू ई। इसके लिए जरा बताओ ये ऑब्जेक्ट हो ना इस लेंस के लिए, अब तो इस फोकस इसका इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा यार यू ई। बोलो हाँ या ना, सही बात गलत बात, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक। बस अब लगा दो अल्फा बीटा गामा सब, तो मैग्निफिकेशन कितना होता है जल्दी बता दो। एम बराबर बीटा बाई अल्फा होता है, इसको हम लिख सकते हैं टैन बीटा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ये बता दो। लिख सकते हैं टैन अल्फा इक्वल टू टैन बीटा का वैल्यू बताओ कितना होगा,
टेन बिट्टा बता दो मुझे कितना होगा ये बता। तो हम ए डैस बी डैस ए डैस बी डैस बटा बी डैस ओ टू सही है कि गलत है? सही है। अल्फा के लिए लगा दो भाई साहब बटा में टेन अल्फा का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा। ए डैस ए डैस बी डैस यही होगा ना, ए डैस बी डैस बटे में कितना होगा या ओ वन है या ओ टू है तो कितना हो जाएगा बी डैस तो ये इससे क्या हो गया ये ऊपर चला जाएगा तो बी डैस ओ वन बटा में कितना हो जाएगा बी डैस ओ टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो इनके भाई साहब बी डैस ओ टू कितना हो जाएगा एफ आ जाएगा डिवाइडेड बाई बोलो कितना हो जाएगा बी डैस ओ टू का वैल्यू बोलो यू ई हो जाएगा प्लस की माइनस माइनस होगा ये वाला बोलो कितना होगा प्लस हो जाएगा। आपने सब रख दिया तो अपने पास ये मैग्निफिकेशन निकल के चला आया है ठीक है ना। लेकिन हमारी जो आकृति बन रही है बच्चा पार्टी वो डी डिस्टेंस पे बन रही है कहाँ पे बन रही है तो अभी मैग्निफिकेशन जो निकाल रहे हैं हम कुछ और परिवर्तन कर रहे हैं इसमें परिवर्तन ये कर रहे हैं कि जो अपने पास मैग्निफिकेशन है जो इस टर्म को थोड़े से और मॉडिफाई करते हैं। तो लेंस फार्मूला अप्लाई करो बच्चा लेंस फार्मूला क्या होता है वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान तो एफ तो अपने को नहीं पता है एफ तो पॉजिटिव है कि नहीं है नेत्रिका लेंस बोलो किधर है नेत्रिका लेंस सामने है ना एकदम तो नेत्रिका लेंस तो एफ के स्थान पे क्या यूज करोगे एफ बराबर एफ ही यूज करोगे क्या बोलो हाँ या ना नेत्रिका लेंस ही तो देख रहे हैं आंख लगा के टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं तो टुकुर टुकुर यहाँ से देख रहे हैं तो वो नेत्रिका लेंस तो है ना। और बता दो भी के स्थान पे क्या यूज करोगे सर भी के स्थान में नेत्रिका के लिए डी के माइनस डी माइनस डी तो भी बराबर लिखेंगे माइनस डी बोलो हाँ या ना। और यू का वैल्यू बोलो माइनस यू ई बोलो किधर है नेगेटिव साइड है कि नहीं है नेत्रिका लेंस से पूरी हो रही है बात तो यू बराबर बोलो माइनस यू ई बोलो हाँ या ना। इन वैल्यू को पुट अप करो लेंस फार्मूला में तो कितना आ जाएगा एक बटा एफ ई बराबर एक बटा माइनस डी माइनस एक बटा माइनस यू ई माइनस माइनस इसको बेचारे को ही रहने दो इसको इधर भेजो एक बटा एफ ई प्लस एक बटा डी बराबर। अब थोड़ा सा इसे मैग्निफिकेशन के टर्म में परिवर्तन करते हैं यहाँ देखो क्या लिखा है माइनस लिखा है कि नहीं है कि नहीं तो माइनस एफ ओ से क्या कर दे गुणा कर दे तो अपने पास वही टर्म आ जाएगा क्या एम के रूप में यहाँ पे तो लिखेंगे माइनस एफ ओ से गुणा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कट जा रहा है उसमें चलो ठीक है थोड़ा सा एक लाइन और आ गया है तो कितना हो जाएगा माइनस एफ ओ से गुणा करेंगे तो माइनस एफ ओ से गुणा करेंगे तो जरा बताओ कितना माइनस एफ ओ अपान एफ ई होगा क्या माइनस एफ ओ अपान एफ ई प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस गुणा करेंगे तो माइनस एफ ओ अपान डी हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान डी हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस एफ ओ अपान यू ई हो जाएगा क्या। अब ये बताओ ये कौन सा टर्म है क्या मैग्निफिकेशन है कि नहीं है एम बराबर बोलो कितना है माइनस एफ ओ अपान यू ई है कि नहीं है तो वही चीज को हम क्या बोल सकते हैं एम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं और माइनस दोनों में कॉमन और एफ ओ अपान एफ ई भी कॉमन ले लो तो माइनस एफ ओ अपान एफ ई कॉमन ले लिया बोलो हाँ या ना बच्चा लो तो ये कितना बन जाएगा एक बन जाएगा और प्लस माइनस बार ले लिया प्लस हो गया एफ ओ भी बार ले लिया अच्छा यहाँ पे एफ ई नीचे नहीं मिला तो ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो जाएगा एफ ई बाई डी और इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा ये यम तो यम बराबर बोलो कितना आ गया माइनस एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट में वन प्लस एफ ई बाई डी ये था मैग्निफिकेशन किसका स्पेशल केस में जो अपने पास मैग्निफिकेशन निकल कर आया है वो बताओ कितना निकल कर आया अपने पास यम बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट में वन प्लस एफ ई बाई डी अपने पास ये निकल कर आया है स्पेशल केस का। इसके ट्यूब लेंथ की लंबाई बोलो इसके अगर पूछा जाए कि जो खगोलीय दूरदर्शी स्पेशल कंडीशन में जो होती है उन
ट्यूब लेंथ की लंबाई बोलो तो यल बराबर बोलो कितना आ जाएगा अपने पास, यल की बात करें तो बोलो कितना हो जाएगा, ये लंबाई बोलो इतना हो गया, ये बोलो लंबाई कितना हो गया। हाँ तो बोलो मार्ड चढ़ा दे कि ना चढ़ा दे, ट्यूब लेंथ की लंबाई बोलो कितना हो जाएगा, एफ ओ प्लस यू ई, ये होगा कि नहीं होगा। अगर बदमाशी करने का मन कर रहा है तो थोड़ा सा बदमाशी कर दो भाई, एफ ओ प्लस मार्ड लगा देना, नहीं तो ये मार्ड नहीं लगाओगे आपकी मर्जी कर रहा माइनस लेने का तो सवाल गलत हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ये जो मैग्निफिकेशन मिल रहा है कई किताबों में प्लस भी लिखा हुआ मिलेगा, कई किताबों में माइनस भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने सिंबल के साथ यूज किया है माइनस प्लस, देखो जहां जहां यूज कर रहे थे देखो प्लस माइनस यूज कर रहे थे ना, तो सवाल में अगर कुछ भी सवाल आप लगा रहे हैं तो सवाल में कभी भी आप सिंबल को नहीं यूज करेंगे, सिंबल मैंने यूज कर दिया है, केवल उसके वैल्यू को उठाकर रख देना है आपको, उसके मान को उठाकर क्या कर देना है रख देना, प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है, बस जो बोल रहा है उसी को उठाकर रख दो, ठीक है। बोलो आसान है कठिन है, आसान है ना। तो क्या ये आपको जो पढ़ाया गया खगोली दूरदर्शी जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्लियर है कि अभी भी क्लियर नहीं है? तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ये जगता है कि अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि हमने इसका जो मैग्निफिकेशन निकाला था इस लेंस का जो नॉर्मल केस में होता है तो यम बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई आया था, सही बात है, माइनस एफ ओ अपान एफ ई आया था। तो किताब में अगर प्लस दिया होगा तो क्या करेंगे आप लोग, तो किताब में अगर प्लस दिया होगा तो क्या गलत दिया है क्या, नहीं मतलब उसने सिंबल के साथ नहीं यूज किया है। अगर सवाल हल करोगे तो प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हमने प्लस माइनस के साथ ऑब्जर्व किया है तो आपको बस उसके वैल्यू को उठाकर इसमें रख देना और हल कर देना, वही आपका क्या होगा आंसर, प्लस माइनस सिंबल नहीं देखना है, सही है। उसी प्रकार ये भी जो अपने पास निकल के आया, कोई दिक्कत। दूसरी सवाल कि हमने यहाँ माइनस एफ ओ अपान एफ ई छेड़खानी नहीं किया और यहाँ पर जबकि इसमें आया था क्या अपने पास प्लस एफ ओ अपान यू ई आया था, माइनस यू यही आया है ना, तो यहाँ पर हमने क्यों स्टेप को बढ़ा दिया, इतने पर रोक देना चाहिए मैग्निफिकेशन, इसको सर आगे नहीं बढ़ाया है, इसको आप मना मानी या बढ़ा दिया है आगे, इसका मैग्निफिकेशन इतने पर रोक दिया है, इसमें भी तो इतने पर रुकना चाहिए था, क्यों आगे बढ़ा दिए है। तो हम कहेंगे कि हम जो लेंस लेंगे उसकी फोकस दूरी हमेशा पता होता है, जो हम जब लेंस बनाते हैं जो टेलीस्कोप बनाते हैं उसकी फोकस पता होता है, डी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ये भी पता होता है, तो सब इसमें पता ही है वैल्यू। लेकिन अगर यू ई के टर्म में निकालते हो तब ये तो वैल्यू नहीं पता है, बार बार नापोगे जोखोगे क्या अंदर हिल के, नहीं ये वैल्यू हमें नहीं पता है। इसी को हटाने के लिए मैंने ऐसा व्यवस्था किया, डी डिस्टेंस पर हम इमेज बन रही है और बाकी वैल्यू को उठाकर लेंस फार्मूला में रख दिया, तो अपने पास जो आंसर निकल के आया बोलो कितना आया, यम बराबर माइनस एफ अपान एफ ई ब्रैकेट में वन प्लस एफ ई अपान डी आया, ये निकल के आया कि नहीं आया, आया। तो यहाँ दोनों लेंसों से दोनों टेलीस्कोपों से मुझे इतना ही पता चल रहा है कि जो अपने पास पहले वाला आया है अगर इसमें देखे जाए देखा जाए तो एफ ई का मान जितना कम होगा मैग्निफिकेशन उतना ही ज्यादा होगा। एफ ई क्या है सर, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, नेत्रिका लेंस की क्या है फोकस दूरी, इसमें बात कर रहे हैं अभी, तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, ये नीचे का कम होगा तो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मैग्निफिकेशन भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अर्थात हम कहेंगे कि ये लेंस जितना मोटा होगा, ये लेंस जितना मोटा होगा उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगा आपको, उतना ज्यादा बड़ा इमेज मिलेगा आपको, क्योंकि वो बेंड पहले हो जाएगा, बेंड पहले होगा तो जाएगा किधर, दूर जाएगा, दूर जाएगा तो बड़ा सा इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर बेंड कम हो रहा है वो जाके इधर हो रहा है तो जाके बताओ इधर कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बताओ इमेज कैसा बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। इसलिए इसका खासियत होना चाहिए, जो नेत्रिका लेंस होती है टेलीस्कोप में वो बहुत छोटू से होता है मोटू सा होता है, मतलब पावर ज्यादा रहेगा, फोकस कम रहेगा और पावर ज्यादा रहेगा। क्या वही चीज इसमें भी मिलता है कि नहीं मिल रहा है? तो सर यहाँ पर देखिए एफ ई का मान घटा देंगे, जितना घटाते जाएंगे इसकी मान बढ़ती जाएगी, ये वाले सूत्र से आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक से, जो दूसरा मैंने इसका लिखा था उस सूत्र से देखो कहाँ पे लिखा है मैंने भाई, किधर लिखा है यहाँ पे चेक कर लो, ये एम बराबर है, ये एम बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ चलो देखो एफ ई कितनी जगह है, एक ही जगह है कि नहीं आया है,
उस वाले सूत्र से कंफ्यूज हो जाओगे, ऊपर नीचे दो जगह आया है, ठीक है। यहां से चेक करो, ये जितना ज्यादा कम होगा, जरा बताओ मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये इसको कम करते गए, हम कम करते गए, मैग्निफिकेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेत्रिका लेंस होगा उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए। फोकस दूरी कितना होना चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। फोकस दूरी जितना कम होगा वो प्रकाश को बहुत जल्दी सिकोड़ देगा भाई, क्या करेगा, जिसकी पावर ज्यादा प्रकाश को ज्यादा बेंडिंग कर देता है, करता है कि नहीं करता है। और ज्यादा बेंड होगा तो बताओ किधर जाएगी उसकी इमेज, एकदम बैक साइड में बहुत बड़ी बनेगी, बड़े बनेगा, बिल्कुल बड़ा बनाना है तो आपको यह खासियत पता होना चाहिए। तीसरी काम, एक तो आपने समझाई ये हम लोग सूत्र में क्यों ऐसा वैसा कर रहे हैं, दूसरी बात कि मैग्निफिकेशन को बड़ा छोटा कैसे किया जा सकता है, तीसरी बात कि हम इसमें जो अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पड़े हुए थे उसमें हम ऑब्जेक्ट को घिसका रहे थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास था, हमारे हाथों के समीप था, हम हाथों से कुछ भी छेड़खानी करते थे तो ऑब्जेक्ट को करते थे, सही है। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट जैसे चांद हो गया, बहुत दूर है, तो ऑब्जेक्ट को घिसकाओगे क्या, अरे उसको तो नहीं घिसका पाओगे ना। तो घिसकाने की जो प्रक्रिया होती है हमारे पास, वह क्या होता है, यह नेत्रिका लेंस होता है। तो नेत्रिका लेंस को हम लोग ऐसे जब देखते हैं चांद को, तो इसको नहीं घिसकाते हैं, ये पीछे वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, सेट इसको करते हैं, बस इसको सेट करते, जो हमारी आंखों के पास रहता है बस इसको देखते रहते हैं, इसको सेट करते हैं, आगे पीछे करते हैं, इसी को आगे पीछे करके एडजस्टमेंट कहां पे लाते हैं, इसके इधर वाला जो फोकस होगा, इधर वाला फोकस देख रहे हैं ना, ये वाला जो फोकस होगा, इमेज इसका यहां बना है ना, इस लेंस का जो ये इमेज बनेगा इसका कहां पर होनी चाहिए, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होनी चाहिए। अर्थात कह रहे हैं जो इधर से ऑब्जेक्ट आ रही है इसका इमेज यहां बना है, इसका इमेज जो होना चाहिए इस लेंस के लिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए, बस हम यही सेट करते हैं उसमें। क्या सेट करते हैं बताओ लेंस में, जो हम आंखों से ऐसे घुमाते घुमाते ऊपर नीचे करते हैं, बताओ क्या करते हैं, कि जो इमेज है ये कहां बने, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बने, नेत्रिका लेंस के लिए, सही है ना, बस यही कहानी है इसका। तो बोलो इसमें कहां समस्या है, अगर कोई समस्या है तो पूछो जल्दी से।